हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरके न्यूज चैनल। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ थंबनेल कैसे बनाएं। दोस्तों यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थंबनेल बहुत ज़रूरी होता है। अगर थंबनेल अच्छा ना हो तो लोग वीडियो आपको देखेंगे ही नहीं। इसलिए परफेक्ट थंबनेल बनाने के लिए बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों परफेक्ट थंबनेल बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो दोस्तों आप उसको पिक्सल लैब को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है पिक्सल लैब। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको इसमें बताऊँगा कि परफेक्ट थंबनेल कैसे बनाए। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसके बाद आप ऊपर में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ एक आइकन है डिलीट का, यहाँ आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, उसके डिलीट करने में एकदम परफेक्ट फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको थंबनेल का साइज चुनना पड़ेगा। यहाँ थ्री डॉट देख रहे हैं दोस्तों राइट साइड में, सबसे ऊपर में थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से इमेज साइज पर सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ दोस्तों बहुत सारा है, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर, ट्विटर हेडर, इसे ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन से यहाँ आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना। थंबनेल के लिए यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे, इसका साइज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 1280x720, इस पर ओके करने के बाद आपका थंबनेल का साइज आ जाएगा। अब इस पर बताते हैं दोस्तों थंबनेल कैसे बनाना। दोस्तों सो दोस्तों हम इस पर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपना फोटो लगाना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, प्लस निशान पर क्लिक करने के बाद गैलरी में जाएंगे, फ्रॉम गैलरी, यहाँ से आप अपने गैलरी से एक फ़ोटो चूज करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एग्जांपल ले लीजिए, मैं ये फ़ोटो अपने थंबनेल के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से हम इसको साइज को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके दबाएंगे इसको। अब यहाँ थंबनेल का इसको हम बराबर में कर लेंगे, थोड़ा अपना मिला लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे, परफेक्ट आपको करना हो या ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ कर लिया। अब मैं आपको इसको अब दिखाऊंगा यहाँ से लिखना कैसे है। तो यहाँ पर आप नीचे में आकर देखिए दोस्तों, नीचे में लिखा हुआ ए पर क्लिक कीजिए। एक एग्जाम्पल होता है लेटर, यहाँ पर आपको लिखना होता है। यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको क्लियर करना होगा दोस्तों। क्लियर करने के लिए आप नीचे की साइड से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है थंबनेल। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाए, आपको ये दिखा रहा हूँ दोस्तों, THUMB थंबनेल। थंबनेल लिख करके आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर व्हाइट साइड में देख सकते हो, ऊपर में दोस्तों व्हाइट साइड में आया हुआ है। अब इसको हम कलर कर देंगे दोस्तों। सबसे पहले कलर यहाँ नीचे में आएंगे, इसको साइड स्लाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ कलर का ऑप्शन आएगा, देख सकते हो यहाँ दोस्तों बीच में कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और कलर चुनेंगे दोस्तों। कलर पर मैंने रेड पर क्लिक किया हुआ है, इस पर साइन बटन पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको हम स्लाइड करके बीच में ले आएंगे साइड में। अब यहाँ लाने के बाद दोस्तों इसके हम साइज को बड़ा करें, पहले इसको हम इसको साइज को थोड़ा मोटा करेंगे बोल्ड में। बोल्ड मैंने इसको यहाँ से टच कर दिया, बोल्ड हो गया। अब इसके हम साइज को बढ़ाएंगे दोस्तों। साइज पे यहाँ पास स्लाइड करके साइज पे आइए। अब यहाँ हम इसको साइज को थोड़ा और बराबर परफेक्ट जैसे, हाँ अब यहाँ थोड़ा सा हो गया। अब ओके करने के बाद अब इस साइज थंबनेल हो चुका है, मैं लिख दिया। अभी मैं इसको बैकग्राउंड से कलर करूँगा दोस्तों। यहाँ बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे बैकग्राउंड, यहाँ बैकग्राउंड देख सकते हो दोस्तों। बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, अब आप इसमें अपना कलर चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसमें रेड चूज करता हूँ, ऐसे तो मैं यहाँ वाइट लगे, मैं आपको रेड चूज करके दिखाऊंगा अभी दोस्तों, कलर आ जाएगा वापस। फॉन्ट का जो कलर है ना, कलर को बस चेंज करना है। मैं यहाँ रेड से वाइट कर देता हूँ, आ गया दोस्तों, देख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा परफेक्ट लगेगा इसलिए मैंने इसको किया दोस्तों।
अब इसको यहाँ बराबर परफेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको टच कर देंगे, हो गया। अब थंबनेल कैसे बनाएं, अब कैसे के लिए यहाँ टेक्स्ट सामने देख सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट लिखा, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करना है दोस्तों, फिर इसको आपको भाषा चूज करना है। भाषा यहाँ पर यहाँ नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको टैप करके आप भाषा चूज कर सकते हैं। मैं इसको हिंदी क्लिक करता हूँ, यह भाषा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कैसे, अब यहाँ कैसे आ चुका है दोस्तों, अब यहाँ कैसे पर लिखने के बाद ओके करेंगे दोस्तों। ओके करने के बाद इसके साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, अब फिर इसको बीच में ले आएंगे, फिर इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, साइज को बोल्ड हो चुका है दोस्तों, देख रहे हैं। अब फिर मैं इसको बोल्ड होने के बाद, ये तो हो चुका है दोस्तों, थोड़ा और साइज में इसको बड़ा करूँगा दोस्तों। अब ये देख सकते हैं एकदम साइज ओके हो गया है। अब इसका मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रोक दे दूँ, साइज स्ट्रोक, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, तो इसे अच्छा लगता है, देख सकते हैं इसको साइड में ब्लैक आ चुका है, थोड़ा इससे डिजाइन बहुत ही बेटर हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ लिखना है कैसे बनाएं, बनाएं लिखना है दोस्तों, या फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको टाइप करना है बनाएं। और चलिए दोस्तों अब लिखते हैं बनाए, यहाँ पहल बनाए, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ टाइप हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से दोस्तों साइज को बड़ा करेंगे, फिर से यहाँ इसको बोल्ड करना है दोस्तों। बोल्ड करने के बाद रुक करेंगे, फिर इसको बैकग्राउंड कलर को चूज करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर चूज करता हूँ, बोलो। और फिर से इसको साइज को थोड़ा सा परफेक्ट बनाना है दोस्तों, फिर से साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, अब यह देख सकते हैं दोस्तों ये बन चुका है एकदम परफेक्ट थंबनेल कैसे बनाएं। सो दोस्तों इसी तरह से आपको थंबनेल बनाना है, इससे भी आज बेटर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी शॉर्टकट में बना के दिखाया है जल्दी जल्दी, ताकि आप समझ सकें बहुत ही ईजी। और फिर यहाँ ये बनाने के बाद दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट इमेज, इम्पोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना दोस्तों, ये गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों, यहाँ नीचे ऑप्शन लिखा सेव टू गैलरी। अब ये दोस्तों